यार मेरे हिसाब से तो ये टीम जो है दोस्ताने के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले ओपनिंग प्लेयर में शर्जिल खान को होना चाहता रिजवान के साथ। बाकी मिड ऑर्डर में अगर शुएब मलिक होता तो ये कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बैलेंस हो जाती। आप कितने भी यंगस्टर खिला लो, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा यूनिट, उसमें आपको एक्सपीरियंस डालना होता है। ये पायलट भाई से जो क्रिकेट से तकरीबन 90s की सेंचुरी से नाजरीन टॉक टू खत्री में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम शायद कहीं क्रिकेट के दरमियान मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें जो T20 वर्ल्ड कप में के लिए पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की गई है उसके हवाले से इनकी क्या राय है। आए पूछते हैं शायकी ने क्रिकेट से कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। यार आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की टीम का जो स्क्वाड T20 के लिए सिलेक्ट हुआ है ये सही है या इसमें कोई कमी है? इसके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। एक तो हमारे पास अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, सही। दूसरी बात ये आमिर को लाना था, वो वेट कर रहा है इतने दिन से, उसको खिला नहीं दे, पता नहीं क्या वजूहत है। हमारे पास ऑलराउंडर के अंदर इमाद वसीम जैसा ऑलराउंडर नहीं है अभी। यार मेरे हिसाब से तो ये टीम जो है दोस्ताने के लिए उन्होंने सेलेक्ट की गई है क्योंकि मेरे हिसाब से शर्जील खान, शुएब मलिक इनको टीम में लाजमी आना था। मोहम्मद आमिर की भी रिक्वायरमेंट थी लेकिन मोहम्मद आमिर अभी काफ़ी पीछे है तो इन दोनों को लाजमी लेना था। अब जैसा भी है इस पे गुजारा करेंगे, हमारी टीम में सपोर्ट करेंगे हम। सबसे पहले ओपनिंग प्लेयर में शर्जील खान को होना चाहता रिजवान के साथ, बाबर वन डाउन करता, आमिर होता और ये अलग अलग करें। फास्ट बॉलिंग में थोड़ा है, बॉलर है धानी को बाहर रख दिया रिजर्व में, धानी होना था। अच्छा। वसीम जूनियर रिजर्व में होता था। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं ओपनिंग में शर्जील और रिजवान की जोड़ी बनानी चाहिए थी, पावर वन डाउन आता है। अच्छा। इनका ये दोनों का स्ट्राइक रेट का इशू रहता है। चले ओवरऑल तो जो है टीम बैलेंस है लेकिन ये कि शर्जील भाई अगर ऐड हुआ तो ये कि ओपनिंग जो है पाकिस्तान की मजबूत हो जाती है। और बाकी मिड ऑर्डर में अगर शुएब मलिक होता तो ये कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बैलेंस हो जाती है। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में ये टूर्नामेंट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो एज ए बॉलिंग यूनिट तो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम मिडल ऑर्डर, आप कितने भी यंगस्टर खिला लो, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा यूनिट, उसमें आपको एक्सपीरियंस डालना होता है। तो इस वक्त बेस्ट था शुएब मलिक, जो पाकिस्तान टीम को एक सीनियर बैट्समैन की जरूरत है। हीटर हमारे पास बहुत है लेकिन बीच इनिंग चलाने वाला कोई नहीं है। तो इसमें हम तो बोलते हैं पाकिस्तान का स्क्वाड इतना अच्छा नहीं है, अगर शुएब मलिक हो जाए या उमर अकमल जैसे सीनियर खिलाड़ी है जो है उमर अकमल तो बेस्ट है। हफीज ने रिटायरमेंट दे दी। अच्छा। लेकिन जो अभी तक तो सही है लेकिन मुझे सिर्फ शुएब मलिक और एक एज ए ओपनर शर्जील, ये दो चीज़ की कमी नजर। देखा जाए तो बेहतर ही है क्योंकि अगर एक दो चेंजेस हो जाती तो और अच्छा होता। खुशदिल शाह की जगह अगर शुएब मलिक आ जाते और इफ्तिखार अहमद की जगह किसी ऐसे अच्छे बैट्समैन को खिला लेते या एक अच्छा ऑलराउंडर को खिला देते तो हमारी टीम और अच्छी हो जाती। जो पिछले एशिया कप जो टीम खेली है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए क्योंकि बैटिंग की थोड़ी कमी रही है हमारे पास, खासतौर पर मिडल ऑर्डर जो है हमारे पास उसकी कमी है। और जो अभी नए ज्वाइन किए हैं तो वो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं ये पायलट भाई से जो क्रिकेट से तकरीबन 90s की सेंचुरी से वाबस्ता हैं। आइए इनसे पूछते हैं पाकिस्तान की टीम के स्कोर के हवाले से। आप क्या समझते हैं जो T20 के लिए वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई है ये बेस्ट है या इसमें बेहतरी की ज़रूरत है? आज जो पाकिस्तान की टीम अभी हालिया एशिया कप खेल के आई है और वो टीम बहुत बेहतर थी, बिल्कुल बेहतर थी। बस परफॉर्मेंस का थोड़ा सा हमारे कप्तान वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और उसके बाद हमारे जो फ़खर आज़म है वो कप्तान वो जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और वैसे टीम जो है हमारी बहुत अच्छी थी और ऐसे अभी हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। गुड लक है होगा इंशाल्लाह ताला और अभी जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी उसमें भी बेहतर। हमारे बाबर आज़म और फ़खर जमान, रिजवान ये ऊपर से रन कर जाते हैं फिर मिडिल ऑर्डर हमारा भी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। फिर हमारे ऑलराउंडर हैं आसिफ हैं और खुशदिल हैं तो ये भी बहुत अच्छे हैं। मगर सिर्फ बात ये है कि मैच के दिन परफॉर्मेंस देना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है जो हमारी टीम आगे जाने के लिए आगे जाए। तो आप क्या समझते हैं शुएब मलिक, क्योंकि सीनियर एक्सपीरियंस बल्लेबाज तो मिडिल ऑर्डर में कोई भी नज़र नहीं आता, उसमें ना मलिक है ना कोई दूसरे और काफ़ी लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो शर्जील खान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते इन दोनों की कमी थोड़े से महसूस होगी? और ख़ास तौर पर बॉलिंग साइड पर वैसे तो हमारी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आमिर को भी अगर लिया जाता तो टीम ज़्यादा बेहतर होती, क्या कहते हैं इस हवाले से? बात ये है कि कुछ मैनेजमेंट का अपना अपने फैसले होते हैं उसके ऊपर उनको चलना होता है PCB को। और बाकी शुएब मलिक भी बेस्ट हैं और टीम में आ जाएं तो बहुत हमारी टीम जो है स्ट्रांग हो जाएगी और दूसरी टीमों से भी और मज़ीद जान बढ़ेगी और टीम में जान आ जाएगी
और दूसरी वाली टीमों से भी बेहतर हो जाएगी हमारी टीम। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।